हे एवरीवन, दिल सुमन। आप सभी जानते हो विवो ने पहली बार भारत में ऑनलाइन सेगमेंट में अच्छे प्राइस के साथ बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ जो फोन लॉन्च किया था उसका नाम था विवो Z1 Pro। मैंने यूज किया था वो फोन और मेरे चैनल पे गेमिंग रिव्यू, अनबॉक्सिंग रिव्यू, प्रोज एंड कॉन सब आपको मिल जाएगा। काफी अच्छा लगा था मुझे। अभी विवो Z1 Pro का सक्सेसर भी आने वाला है 6 सितंबर को और ये आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं विवो Z1 X के बारे में। अब इसका प्राइस लगभग सोच लीजिए 17,000 के आसपास आ जाएगा। जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB वाला वेरिएंट और जो विवो Z1 Pro आपको मिलता है 4GB 64GB वाला वेरिएंट जो 15,000 में आता है। अभी सवाल यहां पर आके रुकता है, कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, विवो Z1 Pro या विवो Z1 X फुल्ली लोडेड? तो चलिए इस वीडियो में साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं विवो Z1 Pro के साथ विवो Z1 X को, कौन से आपके लिए सही रहेगा। तो चलो करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। स्मार्टफोन को खरीदने से पहले स्पेक्स मैटर करता है, प्राइस मैटर करता है और आपका रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी मैटर करता है। ये कंपैरिजन देख के आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, आपके प्राइस बजट के हिसाब से जरूर सोच लीजिएगा, चुन लीजिएगा। चलिए, जो विवो Z1 Pro इसका जो बेस वेरियंट आता है 4GB 64GB वाला, इसका प्राइस 15,000 और विवो Z1 X जो आपको 6GB और 64GB रैम एंड रोम के साथ बेस वेरिएंट मिलेगा, इसका प्राइस लगभग 17,000 यानी 17,000। अब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं यहां पे डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। देखिए, डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही आपको सेम टू सेम लगेगा। हाँ, यहां पे विवो Z1 Pro थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा कंपेयर टू विवो Z1 X। विवो Z1 Pro एज वेल एज विवो Z1 X में आपको पीछे में दिया गया है पॉलीकार्बोनेट, यानी दोनों में ही आपको पॉलीकार्बोनेट मिल जाएगा, ग्रेडियंट कलर्स मिल जाएगा और बहुत ही ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ ये आ रहा है। पर कहां पे आपको मिल जाएगा डिफरेंस, देखिए विवो Z1 Pro में आपको मिल जाएगा पीछे में फिंगरप्रिंट सेंसर और विवो Z1 X में कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको पीछे में नहीं मिलेगा। दोनों में ही आपको 3 कैमरास, विवो का लोगो और एक फ्लैश लाइट मिलेगा। तो यहां पे डिजाइन के हिसाब से, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से दोनों ही सेम है। अब अगर आप कॉम्पैक्ट एक स्मार्टफोन चाहते हो तो विवो Z1 X। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। देखिए, विवो Z1 X और विवो Z1 Pro इन दोनों फोन में डिस्प्ले का डिफरेंस आपको जरूर मिल जाएगा। विवो Z1 X में आपको 6.38 इंचेस का एक फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाएगा विथ वाटर ड्रॉप नॉच और यहां पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाएगा इस प्राइस रेंज में। अभी जो विवो Z1 Pro है इसमें आपको 6.53 इंचेस का एक फुल HD+ IPS डिस्प्ले मिलेगा, जो पंच होल डिस्प्ले आपको मिल जाएगा इस विवो Z1 Pro में। अभी यहां पे देखिए, आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर आप थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले चाहते हो, सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहते हो तो विवो Z1 X, अगर आप पंच होल डिस्प्ले चाहते हो, आपको नॉच नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले चाहिए, विवो Z1 Pro। दोनों ही फोन में आपको शॉट सेंसेशन 3D का जो प्रोटेक्शन है यानी ग्लास प्रोटेक्शन वो मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहां पे और एक चीज के बारे में, जो रैम एंड रोम। देखिए, बेस वेरियंट 4GB 64GB वो आता है विवो Z1 Pro के साथ और जो 6GB 64GB वो आता है विवो Z1 X के साथ। आपको 128GB रोम वाला वेरियंट भी मिल जाएगा। अभी ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या चाहते हो, ज्यादा रैम या नहीं। पर इससे बाद आप ये भी सोच लीजिएगा, यहां पे विवो Z1 Pro में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, वेयर एज विवो Z1 X में आपको हाई बिट सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे चैनल से, बहुत सारे सूत्रों से ये भी खबर आ रहा है विवो Z1 X में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट आप यूज नहीं कर सकते हो, पर मुझे जितना ज्ञान है आपको यहां पे हाई बिट सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, यानी माइक्रो SD कार्ड आप यूज कर सकते हो। चलिए, बात आप यहां पे रुकता है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर में भी आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, विवो Z1 Pro और विवो Z1 X दोनों में ही आपको Qualcomm Snapdragon 712 712 ये प्रोसेसर आपको मिल जाएगा।
10 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पे ये आधारित है। साथ में यहाँ पे एड्रिनो 616 जीपीयू भी मिल जाएगा। यकीन मानिए मेरा, मैंने वीवो Z1 प्रो यूज किया है, गेमिंग परफॉर्मेंस का तगड़ा है, हीटिंग इशू नहीं था, बैटरी बैकअप काफी अच्छा था, AI प्रोसेसिंग उससे बढ़िया था, तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत नहीं आएगा दोनों ही फोन में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरा की। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंतर मिल जाएगा। Vivo Z1 Pro आपको 3 कैमरा के साथ मिल जाएगा, जैसा प्राइमरी कैमरा 16 मेगापिक्सल का एक 1.8 अपर्चर के साथ, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और तीसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। वहीं आपको Vivo Z1X में जो 48 मेगापिक्सल वो मिलेगा, ये काफी अपग्रेडेशन है। और इसमें यूज किया गया है सोनी IMX 582 सेंसर। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कंपेयर बिटवीन सोनी IMX 586 और 582। देखिए, उतना ज्यादा आपको अंतर तो नहीं मिलेगा, हाँ क्लैरिटी में थोड़ा सा मिलेगा, और 4K 30fps 60fps ये 60fps 586 सपोर्ट करता है और 30fps 582 सपोर्ट करता है। और जो दूसरा कैमरा आपको मिलेगा Z1X में वो होगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और अंत में आपको एक डेप्थ सेंसर मिल जाएगा वो होगा 5 मेगापिक्सल का। पीछे में फ्लैश और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो दोनों ही फोन से, AIS आपको दोनों ही फोन में मिल जाएगा, और सामने में दोनों ही फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा इन डिस्प्ले फ्लैश के साथ, तो काफी बढ़िया है। यह आपके लिए निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन से फोन के साथ जाना चाहते हो। हाँ, अगर कैमरा वाइज देखा जाए तो Vivo Z1X यहां पे विनर है। चलिए अब बैटरी, Vivo Z1 Pro 5000mAh, Vivo Z1X 4500mAh, Vivo Z1 Pro 18W चार्जर, Vivo Z1X यहां पे आपको 22.5W चार्जर, Vivo Z1 Pro microSD पोर्ट, Vivo Z1X USB टाइप सी। सो यहां पे काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। देखिए, Vivo Z1 Pro में आपको 5000mAh बैटरी मैराथन बैटरी मिलता है, काफी अच्छा है, पर वही 4500mAh बैटरी भी कम नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले 6.38 इंचेस का, और Vivo Z1 Pro में आपको पीछे में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, और Vivo Z1X में आपको आगे में यानी जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, दोनों में ही आपको फेस अनलॉक मिलेगा। तो ये था दोनों फोन का साइड बाय साइड कंपैरिजन। आप सोच रहे हो दोनों ही फोन में क्या चल रहा है, भाई कुछ नहीं, एंड्रॉइड 9 यानी एंड्रॉइड पाई, साथ में फन टच OS। आप चाहते हो एक कम्पैक्ट स्मार्टफोन, अच्छा कैमरा, तो आपके लिए Vivo Z1X बहुत ही अच्छा होगा। पर ये भी तो आपको सोचना चाहिए, 17000 में आपको उससे कम में Realme की तरफ से X3 भी मिलने वाला है, जो 64 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आ रहा है, और Redmi Note 8 Pro इससे भी कम रेंज में यानी 14000 में आपको 64 मेगापिक्सल विथ क्वाड कैमरास मिल रहा है। तो Vivo Z1X, Vivo Z1 Pro, Redmi Note 8 Pro या Realme X3, आप कमेंट जरूर कीजिएगा आप कौन सा लेना चाहते हैं।